दोस्तों नमस्कार। आज का मेरा विषय है राजस्थान के संभाग। राजस्थान के संभाग जो हैं वह 7 हैं, लेकिन इसको सबसे पहले 1949 में प्रारंभ किया गया था। तत्कालीन समय में 5 संभाग थे। राजस्थान जो राज्य है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है और ये पूरे भारत का 10.41% क्षेत्रफल में फैला हुआ है। राजस्थान राज्य में 33 जिले हैं और इस राज्य की राजधानी जो है वो जयपुर है। राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है और इसकी एक खंडपीठ जयपुर में है। राजस्थान राज्य का जो सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से है वो है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला जो है वो है धौलपुर। राजस्थान में संभागीय जो व्यवस्था जो शुरू की गई वो 1949 में शुरू की गई। तब तत्कालीन समय में 5 संभाग थे और ये व्यवस्था हरदेव जोशी ने जो वहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उन्होंने प्रारंभ की थी। 1962 में संभागीय व्यवस्था को मोहनलाल सुखाड़िया ने समाप्त कर दिया था। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया ने इस व्यवस्था को सुखा दिया, समाप्त कर दिया। तो ये व्यवस्था समाप्त कर दी गई थी, लेकिन 26 जनवरी 1987 को यह व्यवस्था फिर चालू हुई और तब 6वां संभाग बना। इसके बाद 4 जून 2005 को 7वां संभाग उस समय की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने बनाया और जो 7वां संभाग बना वो भरतपुर बना, जो राजस्थान का सबसे छोटा संभाग है। सबसे पहले अजमेर संभाग। अजमेर संभाग जो है इसमें 4 ज़िले शामिल हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर। इसको याद करने की ट्रिक है अभी ना टोक। अभी ना टोक से आप याद कर लेंगे आ से अजमेर, भी से भीलवाड़ा, टो से टोंक और ना से नागौर। तो अभी ना टोक, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक, यह है अजमेर संभाग। दूसरे नंबर पर आता है बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में भी 4 ज़िले आते हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चुरू। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है बिग चूहा। चूहा जो होता है, बीकानेर में करणी माता का मंदिर भी है और जो चूहों के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं। तो बड़े बड़े चूहे मतलब बिग चूहा। तो उसको याद करने की ट्रिक है इस बीकानेर संभाग के जिलों की, बिग चूहा से, बी से बीकानेर, गा से गंगानगर, चा से चुरू और हा से हनुमानगढ़। तो बिग चूहा से आपको ये चारों ज़िले याद हो जाएंगे। इसके बाद है कोटा। कोटा संभाग। कोटा संभाग में भी 4 ज़िले आते हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारा। इसको याद करने की ट्रिक है बाबू को झड़ा। बाबू को झड़ा मतलब कोटा संभाग के ज़िले। बाबू को झड़ा, बा से बारा, बू से बूंदी, को से कोटा और झाड़ा से झालावाड़। तो इसको याद करने की ट्रिक हो गई बाबू को झाड़ा, बा से बारा, बू से बूंदी, का से कोटा और झाड़ा से झालावाड़। अगला जो संभाग है वो है भरतपुर। भरतपुर संभाग में जो ज़िले आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये भरतपुर में आने वाले संभाग हैं। अब इसको याद करने की ट्रिक है भर दो करों से झोली। भर दो करों से झोली, भर से भरतपुर, का से करौली, सा से सवाई माधोपुर और भर दो, दो से धौलपुर। तो भर दो करों से झोली। इसके बाद है जोधपुर संभाग। जोधपुर जो संभाग है उसमें जो हमारे ज़िले आते हैं जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही और जैसलमेर। जोधपुर संभाग जो है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि जोधपुर जो संभाग है वो राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग है और सबसे छोटा संभाग है भरतपुर। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि सबसे बड़ा संभाग कौन सा है तो आप जोधपुर बताइए और सबसे छोटा संभाग अगर पूछे तो भरतपुर है और सबसे बाद में बनने वाला संभाग भी भरतपुर ही है। भरतपुर संभाग जो है वो सबसे बाद में बना है। तो जोधपुर संभाग को याद करने की ट्रिक जो है वह है जोधपुर जाजे बसपा। बसपा पार्टी जो है, बसपा जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है, मायावती जिसकी अध्यक्ष हैं, उससे आपको याद रहेगा जोधपुर जाजे बसपा।
जोधपुर जाजे से बसपा से मतलब जोधपुर से जोधपुर, जा से जालौर, जे से जैसलमेर और बा से बाड़मेर, सा से सिरोही, पा से पाली। जोधपुर, जालौर, पाली, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर। अगला है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग जो है जहाँ के महाराणा प्रताप थे, उदय सिंह ने इस नगर को बसाया था, महाराणा प्रताप जो थे, इसको याद कर लीजिए, ये तो बहुत ही सरल ट्रिक है। उदयपुर संभाग में जो ज़िले आते हैं वो 6 ज़िले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और प्रतापगढ़। इसको याद करने की ट्रिक है उदय प्रताप रांची डूबा, उदय प्रताप रांची डूबा। उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, रा से राजसमंद, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। मतलब उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, रा से जो है राजसमंद, डू से डूंगरपुर और बा से बांसवाड़ा। अगला है जयपुर। जयपुर संभाग जो है, जयपुर संभाग में जो ज़िले आते हैं वो 5 ज़िले आते हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। 5 ज़िले कौन से आते हैं? जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर और झुंझुनू। तो जयपुर, इसको याद करने की ट्रिक है जयपुर दोसी अनु, ठीक है? तो जैसे जयपुर से जयपुर, दो से दौसा, सी से सीकर, आस से अलवर और नू से झुंझुनू। तो जयपुर दोसी अनु। तो ये हो गई राजस्थान के संभाग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।